योगी दे रही थी राधिका खेड़ा से जुड़ी हुई। इधर शराब घोटाले के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। घोटाले के आरोपियों की 205 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है। प्रॉपर्टी में रायपुर की आलिशान होटल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी शामिल है। संपत्तियों में 18 चल और 161 अचल संपत्तियां हैं। ये संपत्ति पूर्व आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर समेत जिनका होटल है, बाकी आरोपियों की भी बताई जा रही है। 205 करोड़ की संपत्ति में कुछ संपत्ति रायपुर के मुख्य इलाकों में है। स्टेशन रोड और शंकर नगर जैसे पॉश इलाकों में एक एक बिल्डिंग की कीमत करोड़ों में। आपको बता दें कि शराब घोटाले में पूर्व मंत्री, आईएएस अफसर, पूर्व आबकारी अधिकारी और बड़े कारोबारी शामिल हैं। इनमें अनिल टुटेजा 2003 बैच के आईएएस अफसर हैं जो अभी ईडी की हिरासत में है। वहीं कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन 8 मई तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर है। इसके अलावा कारोबारी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी यानी कि एपी त्रिपाठी 16 मई तक जेल में ही रहने वाले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में ग्रेटर नोएडा की कंपनी का भी नाम सामने आया। इस मामले में ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यूपीएसटी अपने आरोपी विधु गुप्ता को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा की कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटी फर्म प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विधु गुप्ता के खिलाफ नोएडा के कासना थाने में रिकॉर्ड दर्ज की। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में काफी बड़े मात्रा पे अटैचमेंट को अंजाम दिया है। और अगर अटैचमेंट की अगर बात करें तो आरोपियों से जुड़े हुए 18 चल संपत्ति और करीब 161 अचल संपत्ति को अटैच कर लिया गया है। और इसका जो सरकारी मूल्य है वो तकरीबन 205 करोड़ रुपया आंका जा रहा है, 205 करोड़ तकरीबन 50 लाख रुपया आंका जा रहा है। और अगर इसका बाजार मूल्य देखा जाए तो इस हिसाब से कई गुना ज्यादा है, यानी कि जो 205 करोड़ का जो आंकड़ा है उससे कई गुना ज्यादा इसकी वैल्यू आंकी जा रही है। और जिस तरह से पूरे इस मामले को देखा जाए, जिस तरह से इस साल 2019 से लेकर 2021 के बीच का यह मामला सामने आया था और जिस तरह से इस मामले में ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटीज लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसका नाम भी सामने आया, तो इस मामले में भी बकायदा तफ्तीश की गई तो पता चला था कि कहानी जो शुरुआत हुई है वो शराब का जो बोतल होता है उसमें जो होलोग्राम लगता है, जो स्टिकर्स लगे होते हैं, वहां से शुरुआत हुआ था। क्योंकि इस मामले में जो शराब घोटाला का जो कनेक्शन है, इस मामले में जब तफ्तीश किया गया तो पता चला कि 8 पैसे का कमीशन से वो स्टार्ट हुआ। और उसके बाद पता चला कि कई ट्रक जो है जो रोजाना निकलते थे शराब की, उस मामले में जितने नकली होलोग्राम लगाया जाता था उसका अलग से कमीशन बनता था। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में जिस तरह से छोटे स्तर के सरकारी कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक का नाम सामने आया था। और इस मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की अगर बात करें तो उसकी भी गिरफ्तारी भी हुई थी। इसके साथ साथ कई अन्य अधिकारियों का नाम सामने आया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई। लिहाजा इसी मामले पर जिस तरह से तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है और इसके साथ ही अटैचमेंट की जो प्रोसेस है कुछ और आगे बढ़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और यहां वक्त एक छोटे से